And in election season, Madhya Pradesh polls are honing in and a Ram Mandir showdown has erupted. State Congress Chief Kamal Nath stoked a row after it was claiming that it was Rajiv Gandhi who opened the locks of the Ram Mandir at the then disputed Babri Masjid site. Not just that, Kamal Nath then took on the BJP, saying that they cannot claim credit over the Ram Mandir in Ayodhya. The BJP were quick to retort, stating that the Ram Mandir is a temple for Hindus and no one, not even the Saffron Party, can claim credit over it. नहीं, हम जरा भी श्रेय नहीं रहे, हम तो दर्शन करने के लिए जाने की बात कर रहे हैं, हम श्रेय कहाँ रहे हैं? और राजीव गांधी ने ताले तुलवाए तो वो भी सरकार में थे, प्रॉपर्टी तो हिंदुओं की थी, तो वो क्यों श्रेय ले रहे बताइए? हमने तो कभी कुछ नहीं कहा, हम इतना कहते हैं कि दर्शन करने के लिए सबको सुविधा कर देंगे, सरकार सहायता करेगी। कमलनाथ जी, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, क्योंकि मैं भी उस आंदोलन का पार्ट रहा, वकील भी रहा। जब बाबरी मस्जिद के गिरने के आलोक में मध्य प्रदेश की सरकार को डिसमिस किया नरसिंह राव की सरकार ने, तो आप भी तो मंत्री थे ना उसमें, आपने कुछ विरोध किया था क्या? और जब लोकसभा में कहा गया और टीवी पर कहा नरसिंह राव जी ने कि हम बाबरी मस्जिद फिर बनवाएंगे, आपने विरोध किया था क्या? खामोश थे ना आप? तो ये क्या क्या बात करते हैं आप? कमलनाथ जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं, वही असली कांग्रेस का चेहरा है। ये जो पूरी पिक्चर है बाबरी मस्जिद की, इसमें दोनों का बराबर रोल है, बीजेपी का, आरएसएस का और कांग्रेस का। इसीलिए मैंने हमेशा कह रहा हूं, एक किताब का हवाला दिया था कि कांग्रेस आरएसएस की मां है, और मैं उम्मीद करता हूं कि देश की जनता ये देख रही होगी जो कमलनाथ ने कहा है।